अभी जो खबर बताई है तरुण ने भी जी, और दूसरा ये कि बंधन बैंक के रिजल्ट के बाद वैसे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जनरली बंधन बैंक के रिजल्ट और इनके एक लाइन में आते हैं और रिजल्ट आने बाकी सबके अच्छे आ गए। और एक्सिस बैंक के तो सुबह देवांशी बताई रही थी कि ऐसे भी अच्छे आने वाले जी। सो रिजल्ट के लिहाज से भी, भाव के लिहाज से भी करेक्ट होकर मुझे लगता है इंडसइंड बैंक के वो स्टॉक सिर्फ 10 रुपए की डिस्काउंट नहीं, 840 का स्टॉक लॉस, छोटा स्टिक स्टॉक लॉस रखिए और ये मान के चलिए कि आपका ट्रिगर होगा, उतना ही खरीदना। अगर आप फ्यूचर में नहीं खरीदें, कैश में 150 डिलीवरी लें तो वो भी कर सकते हैं। 865 पहला टारगेट होगा, 880 और 900 तीन बड़े टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर बड़े टारगेट नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ही नहीं, फिर करना ही नहीं ऐसे मार्केट में। अगर आप करते तो बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस 840 कर, ये मान के उतनी क्वांटिटी खरीदे कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, 10-15 रुपए की रिस्क आपको लेके चलनी है, उस हिसाब से लीजिए। 865 का छोटा टारगेट अगर आज आ जाए, आज इंट्राडे में करना चाहें आज कर लें, 880-900 रुपए तक के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक का फ्यूचर होगा, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रिस्क लेनी चाहिए।